नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से हरियाणा में आपको पता हुआ है कि आंदोलन चला हुआ है किसानों का, और काफ़ी बातें सुनने में आई थी, किसानों ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, भाई वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे जैसे ही बहादुरगढ़ के पास जो टिकरी बॉर्डर है वहाँ पे एकदम शांतिप्रिय तरीके से कोई आवाजाही, ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं है कि भाई बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि भाई ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रखा है, आराम से बैठ के अपने बातें एक दूसरे से कर रहे हैं, बैठे हैं, ऐसा कोई भी दूसरा सुनने को नहीं मिला। और रास्ता भी छोड़ रखा है, जो ज़रूरी साधन है वो जा सकते हैं। तो इनसे हम बातचीत करवाएंगे कि क्या कुछ परेशानियां इनको रही, क्यों ये इस धरने के लिए आए हैं, क्यों इतनी दूर आके हरियाणा के बहादुरगढ़ के पास आके बैठे हैं। तो बातचीत करते हैं, आइए। स्वागत है आप लोगों का। नमस्कार। धन्यवाद जी आपका। ये बताएं, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, कहां से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह नियाल, जिला पटियाला, प्रेसिडेंट बीके जू एकता उग्रह जी। तो यहां पे क्या परेशानी हुई थी आपको, जो यहां आप बताया जा रही 26 तारीख से आप यहां पे बैठे हैं? हमको परेशानियां ऐसी, जो केंद्र की सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लेकर उसको कानून बनाकर इन देश के लोगों पर थोपा है कि जो फसल की खरीद है वो प्राइवेट हाथों में देना चाहती है। इन किसानों ने जब देश का डीड परा है तो सबको अनाज पैदा कर दिया है, आज उन किसानों को जो रोल के रखना चाहते हैं, उनको मजदूर बनाना चाहते हैं, उनका सभी ज़मीनें खोनी चाहते हैं। पंजाब में से जो प्रोटेस्ट 2-2.5 महीनों से लगातार चल रहा है शांतपूर्वक, वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई इस प्रोटेस्ट के जरिए और वहाँ पर शरारत हो या हुल्लड़बाजी हो, जहाँ पर किसी का नुकसान हुआ, कोई दंगा हो। बिल्कुल शांत तरीके से किया है पंजाब में भी, बिल्कुल शांत तरीके से किया है, लंबे समय से चल रहा है। जब इन केंद्र की सरकार ने 2 मीटिंगों में पंजाब के जथेबंदियों के आगुओं को बुलाया, इधर देश की 500 जथेबंदियों ने इनसे मीटिंग की है, तो उसमें केंद्र की सरकार ने कोई इसका हल नहीं निकाला। और ये मीटिंगें ऐसे देते रहे कि हम आपको समझाते हैं ये कानून लेकर आए हैं, एक किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जब उससे पूछा है कि ये फ़ायदेमंद कैसे, तो बताओ, लेकिन जो फ़ायदेमंद ये कहना चाहते हैं, फ़ायदेमंद किसानों के लिए नहीं है, फ़ायदेमंद ये बड़े व्यापारियों के लिए हैं, उन कारपोरेट घरानों के लिए हैं, जो किसान की फसल सस्ते रेटों में खरीद कर स्टोर करेंगे, उसको बाद वही फसल इसकी जो 20 रुपये या 15 रुपये खरीदेंगे, वही फसल अपने अनाज की ज़रूरत के लिए इन किसानों को, उन मजदूरों को 50 रुपये किलो मिलेगी। ऐसा कानून इन्होंने कारपोरेट घरानों के लिए, उस बिजनेसमैनों के लिए बनाया है, क्योंकि ये सरकार एक किसानों की नहीं है, ये आम लोगों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, मुलाजमों की नहीं है, ये उन कारपोरेट टाटा अंबानी अदानियों की सरकार है, उनके फायदे में सोचती है, गरीब को और गरीब करना चाहती है, गरीब को और गरीब बनाकर रखना चाहती है, पैरों में कुचलना चाहती है, उसको ऐसे नहीं अभी ऊपर उठाकर रोजगार दें, उनका कोई पूरा पक्का रोजगार हो, इन किसानों को रोजगार देकर इनकी फसलों में रेट के वादे कर और बढ़ाएं, इनको भी उस स्थान पर लेके जाएं जैसे अमीरों को बढ़ाती जाती है। इसमें देखा जाता है जब किसानों की बारी आती है, उसमें से सारी जो फैसिलिटियाँ किसानों को देनी होती है उसमें से खींच लेते हैं, जो बैंकों के ब्याज हैं उस पर भी ब्याज लगा के वो भी बाहर कर देती है, वो किसानों पर थोपा जाता है। इधर जो नीरव मोदी वर्गे हैं, जो कोई और जितने भी हो, जो इस देश के साथ फ्रॉड कर भागे हैं, उनके कर्जे जो सरकार माफ़ करती है, लेकिन किसानों के बैंकों के जो 2 लाख किसी ने कर्जा लिया, उनका थोड़ा बहुत जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगा के उनको दबाना चाहती है। ऐसे सरकार ने जो काले कानून लेके आई है, उसके लिए जब पंजाब से प्रोटेस्ट चला है, पूरे देश का आंदोलन जो बना है, जब वहाँ पर इन सरकार ने कोई उन किसानों की आवाज़ नहीं सुनी, तब वहाँ से 26 तारीख को देश की 500 जथेबंदियों की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 26 से 27 तारीख तक दिल्ली चलेंगे, वहाँ पर आंदोलन करके इन काले कानूनों को रद्द कराएंगे। जब पंजाब से और आले दुआले की स्टेटों से, बख बख सूबों से आना चाहा दिल्ली में अपनी बात रखने के लिए, अपने हकों के लिए, इन्होंने हरियाणा में बीजेपी की सरकार है उसको कहकर सारे बॉर्डर सील करवाए, वहाँ पर इतनी इन्होंने घेराबंदी की कि पंजाब के लोग दिल्ली ना जा बड़े। एक तो जे लोग जो अपना कमाकर खाते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्होंने जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया देश का कि हमारे लिए चंगा करेगा,
आज जब अपने दुख तकलीफें लेकर इनको सुनाने के लिए आते हैं तो वहाँ पर रोका जाता है। खट्टर सरकार वहाँ पर पूरे टकराव में पड़ती है। बड़े बड़े आने से क्यों रोका? दिल्ली आप लोगों की नहीं है क्या? दिल्ली इनके जरिए जो ये सोच रखते हैं, इनके जरिए दिल्ली ये लोगों की नहीं है। ये दिल्ली टाटा अंबानी अडानी अपने मोदी जी की है। ये लोगों की दिल्ली नहीं बनाते। ये समझते नहीं है कि लोग भी हमारे देश के हैं। अमीर लोगों की दिल्ली है, सिर्फ अमीर लोगों की दिल्ली है, उनको रखना चाहते हैं। जे किसान मजदूर जो मरता है मरने दो, उनकी इनको कोई परवाह नहीं है। सिर्फ इनको अमीर लोग कारपोरेट कराने बहुत चाहिए, ये लोगों की लोड़ नहीं है। आज जब वो वहाँ से चले हैं, पूरा अपने जोर से चले हैं, वो हम डाल कर आए थे। जो एक फैसला था जथेबंदियों का देश के था भी, जहाँ पर सरकार रोकेंगी रुकेंगे, जो उससे आंदोलन वहाँ शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ने का कोई प्लान बनाएंगे। पर जब तक इन्होंने सख्त किया, वो लोगों ने इनको बता दिया कैसे वहाँ से लंघे, ना खट्टर सरकार रोक सकी, ना जे प्रधानमंत्री रोक सका, क्योंकि लोगों की ताकत अपने हकों के लिए एकता जो बनी है, जब वहाँ से चले हैं, हरियाणा में आए हैं, बख बख सूबों से लोग दिल्ली के आले दाले बैठे हैं। हरियाणा के लोगों के, हमारे छोटे भाइयों के इतना सहयोग मिला रहा है। जो मोदी कहते थे, बीजेपी सरकार कहती थी कि जे सारे पंजाब के लोग दिहाड़ी पर आए हैं, जे मजदूरी पर अपनी मजदूरी छोड़कर इनसे दिहाड़ी लेकर कांग्रेस ने भेजे हैं, जहां पर हरियाणा के लोग आए, सभी राशन लेके आ रहे हैं। जब हम जहां पहुंचे हैं 26-27 तारीख से, हमने एक रुपये की कोई भी वस्तु नहीं खरीदी, कोई दूध नहीं खरीदा, कोई अनाज नहीं खरीदा, कोई आटा नहीं, सब्जी नहीं। हम इनको हाथ जोड़ते हैं कि भाई बहुत सेवा कर रहे हो, कम लेके आओ। पर हरियाणा के लोग ये कहते हैं हमारे भाई कि जब आपके पंजाब पर जे मोदी ने जे कानून लागू किए हैं, कल को हमारी बारी है। जे आंदोलन में हमारे साथ हैं, पूरे देश के लोग हमारे साथ हैं। जे आंदोलन ऐसी शांतमयी तरीके से चलेगा, कोई पंजाब के लोगों से जहां पर हुलड़बाजी नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, सरकार किसी भी पॉलिसी नीति को बरत सकती है, अपने बंदे गुंडे डाल सकती है, लेकिन हमारे लोग ऐसी पूरी सख्ती पर पहरा दे रहे हैं कि इनका कोई भी गुंडा आता है उसको पकड़ कर पूरा इसे पुलिस के हवाले करेंगे, या अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई होगी हम अपनी जथेबंदी की तरफ से करेंगे। सिर्फ शांति प्रिय तरीके से रहें, कोई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हमने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि हम इसको और आंदोलन को मतलब कोई ऐसा नाम दें जिससे दंगे हों, चाहे कोई और नुकसान हो। हम दिल्ली के लोग आप देख रहे हो, किसी की आवाजाही कोई प्रभावित नहीं की हमने। कोई जॉब पर जाता है, कोई काम पर जाता है, कोई मजदूरी करता है, जे हम उसको रोकेंगे, अकेले उस मजदूरी करने वाले को नहीं रोकते, उनके परिवार का जिसका रोजगार चलता है उस मजदूरी करने वाले से, वो भी भूखे मरेंगे। हमका जे हमारा जे प्लान है कि जे एक्शन है, आंदोलन है, जे ऐसे ही जितना मर्जी समा लम्बा चले, शांतमयी तरीके से चलेगा। इसी बात से इन हरियाणा वाले भाइयों ने, वो दिल्ली वाले सभी लोग हमारे भाई, वो इसकी पूरी इसकी सहायता करते हैं कि जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, हमको कोई तकलीफ नहीं आ रही है, हमारे दिल जीत लिए हैं तुमने। वो सभी इस आंदोलन के साथ हैं, किसान के साथ हैं, एक किसानी आंदोलन है, क्योंकि हर वर्ग जो भी व्यक्ति है, मोदी जी भी अमित शाह भी, शाम को इसी किसान की कमाई हुई फसलों के अनाज से डीढ़ वर्कर सोते हैं, वो रोलना चाहते हैं इस किसान को, जिसने सभी को रोजगार दे रखा है, सभी का मजदूरी चलती है। ये किसान की जो अपनी कमाई है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं, सबको मजबूर कर कर मारना चाहते हैं कि हमारे अमीर लोगों का राज हो, हमारी गुंडागर्दी ऐसे चले। लेकिन ये पंजाब के, हरियाणा के और सूबों के किसानों का एक अपना इसने कसम खाई है के मोदी का जे चलने नहीं देंगे, जब तक जे कानून रद्द नहीं होंगे, जहां से जाएंगे नहीं, जे प्रोटेस्ट शांतमयी चलेगा। कितने दिन का राशन साथ लेके आए हैं आप? हम तो राशन जो इकट्ठा किया है गांव से, साल साल का इकट्ठा किया पड़ा है, जहां पर आए हैं 6-6 महीने का राशन लेके पहुंचे हैं, आप देख रहे हो। पर उसके ज़्यादा जिन हरियाणा वाले बहुओं ने, जो भाइयों ने जो 6 महीने का राशन लेके आए थे, वो तो ट्रालियों में ही पड़ा है। इन्होंने हमको इतना सहयोग दिया कि जो राशन जे लेके आते हैं, वही नहीं मुकता हमसे। क्या क्या लेके आ रहे हैं, सब्जियां लेके आ रहे हैं, फ्रूट लेके आ रहे हैं, और क्या बताऊं कि पेस्ट ब्रश शैम्पू नहाने के लिए सभी लेकर आ रहे हैं। इतने भाई तो जे कह रहे हैं कि हमारे घर में आओ, वहां पर नहाओ धो, कपड़े दो। ऐसे जे हमारा राशन तो पड़ा है, चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए,
ना हरियाणा के भाई कमी आने देंगे और हमारे पास राशन की कोई कमी नहीं है, लंबा समय चलेगा तो चलाएंगे। हरियाणा के किसान लोग जितने भी सब आपके साथ हैं? हरियाणा के सभी किसान हमारे साथ हैं, अपना महाराष्ट्र के हमारे साथ हो गए, हिमाचल के साथ हो गए, राजस्थान के साथ हो गए, सभी सूबों से किसानों का हमायत इस संघर्ष को मिल रही है, क्योंकि ये संघर्ष अब इस देश का नहीं रहा है, ये पूरे वर्ल्ड का बन गया है। इस संघर्ष को सभी हमायत करते हैं, सभी किसानों के साथ हैं, इसको जीतेंगे, ये कानून रद्द कराएंगे। जिस प्रकार से आप यहाँ पहुँचे थे, वहाँ से स्टार्टिंग ली थी, तब क्या सोच रहे, कितने दिन लग जाएंगे? असी ये सोच के आए हैं, चाहे 6 महीना लग जाए, चाहे साल लग जाए, जिन्ना चिर मोदी कानून रद्द नहीं करेगा, घर नू वापस नहीं जाएंगे, शहीदियाँ देनिया मंजूर है। अगर वापस नहीं लेते हैं तो घर ही नहीं जा रहे? कुर्बानियाँ दे देंगे, जान मार देंगे, पर वापस नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कानून रद्द करा कर जाएंगे। दो बार सरकार से मीटिंग हो चुकी है, वहाँ पे कुछ भी सोल्यूशन ऐसा नहीं हुआ, 5 तारीख को कल फिर होनी है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे? सरकार मीटिंगों के बीच किसानों का इम्तिहान ले रही है, इम्तिहान देते रहेंगे, किसी में इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। एक साथी ने एक बात कही थी कि भाई सारे जो रास्ते हैं उनको बंद कर दो, तब जाके सरकार कुछ कर सकती है, तो इस पे क्या विचार है आप लोगों के? ऐसे हमारी जथेबंदी का फैसला नहीं है, जब रास्ता बंद करेंगे हमारे भाई तंग होंगे, हमारे भाई हमारा विरोध उठाएंगे, हम तो भाइयों को नाल जोड़ने के लिए जहाँ भी रास्ता बंद होगा खोलेंगे, उसको जाने देंगे, रास्ता रोकेंगे तो सरकार का रोकेंगे, उसका कोई मंत्री आएगा संतरी का उसको रोकेंगे। मतलब अब सिर्फ इस कानून को बदल के ही आप वापस जाएंगे, उससे पहले जाने का कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है, जब मर्जी वापस करना उदो वापस जाएंगे, कुर्बानियां देनिया मंजूर है, पर खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। क्या लगता है कल फिर से मीटिंग है, क्या होगा? ये लोक ताकत अगे मोदी जी ने चुकना पड़ेगा, बड़े बड़े राजे महाराजे चुके ने, मोदी केड़े बाग दी मूली आ, लोक ताकत दे अगे इसनु चुकना पड़ेगा। परिवार से कितने लोग आ रहे हैं? पूरा पूरा परिवार आ रहा है या घर से एक एक दो दो आदमी आए? समेत परिवार आए हैं, हमारे बच्चे भी साथ आए, हमारी बीवी, हम बहने, साडिया मामा हमारे साथ है, सब सारे यहाँ आ गए, सारी जहाँ आ गए। जिस प्रकार से साथियों आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा परिवार वहाँ से यहाँ पहुँच चुका है और कह रहे हैं कि कुर्बानियाँ दे देंगे, लेकिन जो एक कानून है ये वापस करवा के मानेंगे। उम्मीद है कल मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या होता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो हरियाणा के जो किसान भाई हैं वो इनको राशन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दे रहे। बताया कि हम जो राशन लेके आए थे वो तो हमारा अभी रखा ही है, हमें उसको यूज़ भी नहीं किया है, यहाँ के जो लोग हैं भाईचारा है वो इनको ला के दे रहा है, हर एक चीज़ मुहैया करवा रहा है और कुर्बानियाँ दे देंगे, लेकिन कानून वापस करवाएंगे। मोदी जी को झुका के कह रहे हैं, झुका के मानेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद।